भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5 मैचों की सीरीज में शानदार आगाज किया है। टीम ने पहले मैच में मलेशिया को 3-0 से हराया। वंदना ने 2 जबकि लालरेसियमी ने 1 गोल किया। सीरीज का दूसरा मैच शनिवार को खेला जाएगा। मैच में मलेशिया ने अच्छी शुरुआत की, उसे तीसरे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन मेजबान टीम गोल नहीं कर सकी। पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ। लालरेसियमी ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। वंदना ने 17वें मिनट में गोल कर भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। 38वें मिनट में लालरेसियमी ने गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। इसके बाद मैच में भारतीय टीम हावी हो गई। मैच खत्म होने के कुछ सेकेंड पहले वंदना ने अपना दूसरा गोल कर टीम को 3-0 की अजेय बढ़त दिला दी। मैच में मलेशिया को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन टीम 1 भी गोल नहीं कर सकी। ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम के लिए यह अहम सीरीज है। कई युवा खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है।